ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 16 अगस्त 2019 शुक्रवार का दिन है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, यानी पड़वा तिथि भी इसे कहा जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। पंचक इस दिन रहेगा। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दही या जव खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कर्क राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल ग्रह सिंह राशि में, बुध कर्क राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष मिथुन सिंह तुला और कुंभ ये 5 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। इनको पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से मान सम्मान यश प्रतिष्ठा का योग बन रहा है, साथ ही आर्थिक लाभ इनको प्राप्त हो सकता है, नई नौकरी का अवसर भी इनको मिलने वाला है। यदि बेरोजगार है तो कोई रोजगार या व्यापार की शुरुआत इनके माध्यम से हो सकती है। कुछ नए लोगों से इनकी मुलाकात होगी जिनके कारण इनको कार्यक्षेत्र में अच्छा फायदा हो सकता है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।